काल का पहिया चले रे भैया, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अपने मालिक के घोड़ों के टापों की आवाज नहीं पहचानता? मुझसे गलती हुई हुजूर, मैं अपने काम में मगन था, मुझसे गलती हो गई। माफ कर हुजूर, उसी के लिए आज मैं शर्म बचा भाई, बचा भाई। बंद करो ये जुलूस। लड़की, हम हाथ पकड़ने वाले के हाथ काट देते हैं और आंख दिखाने वाले की आंख निकाल लेते हैं। लो, काट लो ये हाथ, निकाल लो ये आंखें। अपने बाप समान आदमी पे हाथ चलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? सुंदर लड़की, हम तुम्हारी सुंदरता पर दाग नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हें अपने दिल में जगह देंगे। आग लगे तुम्हारे दिल को और तुम्हारी जमींदारी को, बहु बेटियों से ऐसे बात करते हो? तुम कितना भी गुस्सा करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। चंदू, कौन है ये लड़की? हुजूर, ये मेरी दोती है, पहले दूसरे गाँव में रहती थी, अनाथ होकर मेरे पास चली आई है। हुजूर, कच्ची उम्र है, इसकी बात का बुरा ना मनाना। हुजूर, बुरा ना मनाना। हम तो कड़वा घूट पी गए, लेकिन इसको भी समझा देना कि इस नगरी की रीत क्या है, और अगर तुमसे न समझे तो हमारी हवेली में भेज देना, हम इसके सारे कसपल निकाल देंगे। काका, काका उठो, काका उठो। काका, तुम लोग ये जुल्म चुपचाप कैसे सह लेते हो? और करे भी क्या बिटिया, जब से राजा साहब ने तुम्हारी शादी की है, उनकी जोरू का ये भाई हमारा खून पीने यहाँ आ गया है। इस पापी की करतूतों का भांडा राजा साहब के सामने क्यों नहीं फोड़ते? हम राजा साहब के सामने कैसे जाएं बिटिया? अगर इस जालिम को पता चल गया तो ये हम सबकी चमड़ी उधेड़ देगा। नाना, जितना डरोगे उतना ही जुल्म बढ़ेगा, अपमान की जिंदगी से मर जाना चाहे। हिम्मत करो, हम सब लोग राजा साहब के पास जाएंगे। जाइए रानी जी, जवानी की नींद का भी जवाब नहीं। रानी जी, एयरपोर्ट चलना है, 8:30 बजे हैं, 9 बजे लंदन से हवाई जहाज आता है। उठिए रानी जी, प्लीज। क्या है, कभी कभी तो अच्छी नींद आती है, वो भी खराब कर देती है। गोपाल को लेने नहीं चलना है? कितने बरसों बाद विलायत से लौट रहा है। आप ही ले आइए ना, तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा, आखिर तुम उसकी माँ हो। वो कौन सा छोटा बच्चा है जैसे मैंने गोदी में उठा के लाना है? अभी उठी हूँ, नहाऊंगी, तैयार होंगी, देर हो जाएगी, आप ही जाइए। अच्छा। क्या मुसीबत है, वो आ गया गोपाल का प्लेन। अरे राय साहब, बच्चे के इंतजार में तुम क्यों बच्चे हो रहे हो? एयर इंडिया अनाउंस अराइवल ऑफ एयर बोइंग 707 फ्लाइट AR-102 फ्रॉम न्यूयॉर्क वाया लंदन, पेरिस एंड जिनीवा। थैंक यू। गोपाल पिताजी। गोपाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो बेटे? अच्छा, सलाम चाचा। हाँ बेटे, हाँ। अरे वाह, हमारा बेटा 10 साल विलायत में रहकर भी पूरा हिंदुस्तानी। चाचा, हिंदुस्तान से बाहर रहकर तो आदमी और भी अच्छा हिंदुस्तानी बन जाता है। वो कैसे? वो पराए घर में रहकर अपने घर की कदर ज्यादा मालूम होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। पिताजी, माँ जी कहाँ है? बेटे, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही घर में, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। चलिए, मैं तो बरसों से उनके दर्शन को तरस गया। चलो। वाली, रानी जी कहाँ है? ऊपर है। अरे बाली, तू बहुत बड़ा हो गया, अब भी तो बड़े बन गए। अरे बाली जा, बाकी का सामान ले आ जल्दी। बिल आया बापू। रानी जी, रानी जी, गोपाल आ गया। ओफो, गोपाल ही आया है, कोई भूंचाल तो नहीं आया? आप किस तरह चिल्ला रही हैं?
लंदन से जैसे आपका बेटा नहीं कोई लाज साहब आया है। शांति से रानी जी, बेचारा एयरपोर्ट से तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है। थोड़ी देर और तड़पने दीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए उसे कमरे में बिठाइए, मैं अभी आकर उसके दर्शन करती हूँ। गोपाल, गोपाल, तेरी माँ अभी आ रही है। अरे, ये तस्वीर अभी तक तेरे पास है? यही तस्वीर तुम्हें सबसे बड़ी दौलत है बेटा जी, बरसों परदेश में से देख देख के जीता रहा हूं। तेरी माँ याद आ गई। जाने वाले चले जाते हैं बेटा जी, बस यादें बाकी रह जाती हैं। काश आज तेरी माँ जिंदा होती। तो क्या मैं मर गई हूँ जो आपने रोना शुरू कर दिया? रानी जी कैसी बात कर रही हो, ये तो ये तस्वीर गोपाल ने अब तक संभाल कर रखी है, इसलिए पुरानी याद ताजा हो गई। लेकिन आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए, इस घर में किसी ऐसी बात का जिक्र ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। कहो गोपाल, कैसे हो? ठीक हूँ माँ जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, मगर इतना ख्याल रहे जिस तरह हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं तुम भी हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा गोपाल कभी ऐसी बात नहीं करेगा। बेटे पांव छू माँ के। ठीक है ठीक है। अच्छा गोपाल ये बताओ, विलायत से इतनी आला तालीम लेकर अब तुम करना क्या चाहते हो? इरादे तो बहुत लंबे चौड़े हैं बेटा जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कहो तो सही, इरादा क्या है? आप भी अच्छी बातें करते हैं, इंजीनियरिंग पास करके आया है, किसी फैक्ट्री में इंजीनियर की नौकरी तलाश कर लेगा। रानी जी आज तक हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, और फिर हमारी इतनी बड़ी टेक्सटाइल मिल है, गोपाल वो संभाल लेगा। तो क्या अपनी टेक्सटाइल मिल गोपाल के बिना ठीक नहीं चल रही? माँ जी ना तो मुझे इंजीनियर बनना है, टेक्सटाइल मिल संभालनी है। पिताजी मैं चाहता हूँ हमारे गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ। तो इसके लिए 10 बरस विलायत में खाक छानने की क्या जरूरत थी? माँ जी मेरे पास फार्मिंग का भी डिप्लोमा है, मैं गांव में रहकर अपने किसानों को खेती बाड़ी के नए तरीके सिखाऊंगा। अनाज की कमी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। विचार तो बहुत अच्छा है बेटा। खाक अच्छा है, आपकी बुद्धि तो दिन ब दिन जवाब देती जा रही है। इकलौते बेटे को विलायत में पढ़ाकर अब उसके कंधे पर हल रखेंगे आप? माँ जी देश का सबसे बड़ा सेवक वही होता है जो अपने कंधे पर हल उठाता है। सरकार, गांव के किसान लोग मर्द और औरतें फरियाद लेकर आए हैं। किसान लोग आए हैं, उन्हें बिठाओ, मैं भी आता हूँ। आप खाइए, मैं देखती हूँ क्या बात है। लेकिन वो लोग बड़े सरकार से ही मिलना चाहते हैं। सारी उम्र सरकार से ही तो मिलते आए हैं, दो घड़ी सुख का सांस तो लेने दो इन्हें। गांव की गंदगी शहर में फैलाने क्यों आए हो? मालकिन जिसे आप गंदगी कहती हो अगर ये ना होती तो आपकी खुशबू को कोई ना पूछता। मत भूलो इसी गंदगी के सहारे ये महल और चौबारे हैं, आप किसान और मान हैं। हम गरीब ना होते तो आपको भी कोई धनवान ना कहता। लड़की अपनी गरीबी के लिए हमें क्यों दोष देती है? छोटे बड़े तो भगवान ने बनाए हैं। हाँ उसी ने इतनी बड़ी जमीन बनाई है, उसके एक टुकड़े पर उगाने के लिए हमारा नाम लिख दिया और खाने के लिए आपका। हमें तो भगवान ने इस दुनिया में खाली हाथ भेजा है और आपको जागीर जायदाद के साथ। मालकिन हम कीड़े मकोड़े ही सही लेकिन हमें रेंगने का अधिकार तो मिलना चाहिए। तो हमने कौन सा तुम्हारा अधिकार छीन रखा है? अगर तुम लोग हमारी जमीनों पर काम करते हो तो उसके बदले में हम भी तुम्हें पालते पोसते हैं, अपनी फसलों का हिस्सा देते हैं। इज्जत और प्यार से हिस्सा थोड़ा कम भी मिले तो हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन मालकिन जी विजय बहादुर ने हम गरीबों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। उसके होठ खुलते हैं तो गाली गलौज के लिए, हाथ उठता है तो सिर्फ हंटर मारने के लिए, और आंख खुलती है तो सिर्फ दूसरों की बहु बेटियों पर पढ़ने के लिए। छोकरी क्या तू ये नहीं जानती कि विजय बहादुर हमारा भाई है? आपका भाई है तो क्या हुआ, उसे इन गरीबों पर जुल्म ढाने का कोई अधिकार नहीं। आप जाइए, इन्हें मैं समझा लूंगा। तुम क्या समझाओगे इन्हें? तुम क्या जानो इन कमीनों से किस जुबान में बात करनी चाहिए? ये मत भूलिए माँ जी कि वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, और हर इंसान की जुबान एक होती है। जुबान एक होती है तो लगा लो इन कमीनों को सीने से।
क्या शिकायतें हैं तुम्हारी? तुम्हारे दुख दर्द मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। हम तो अपना दुखड़ा सुनाने आए बड़े सरकार के पास, और बीच में आ गई मालकिन। अब तुम सुनकर क्या करोगे बाबू, जब कुछ कर ही नहीं सकते? तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारी आवाज बड़े सरकार तक पहुँचा दूंगा, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। महलों में बैठकर झोंपड़ियों का इंसाफ नहीं होता बाबू, किसी का दर्द जानने के लिए दर्द खरीदना पड़ता है, किसी की भूख प्यास का अंदाजा लगाने के लिए भूखा प्यासा रहना पड़ता है। रईसे की चादर ओढ़कर टाट और बोरिए के सपने नहीं देखे जाते बाबू। अगर हमारी हालत जानना चाहते हो तो उस नरक में रहकर देखो जिसकी नींव पर तुम लोगों ने अपना स्वर्ग बना रखा है। कौन क्या कर सकता है ये तो वक्त बताएगा, मगर तुम्हारी तकलीफें क्या है ये तो बताओ। सुनकर शायद यकीन ना हो, अपनी आंखों से देख लो। किसने मारा इस बेचारे को? बाबू अपने घर का हंटर नहीं पहचानती? ये मालकिन के धर्म स्वरूप भाई विजय बहादुर की भेंट है। लेकिन खामखा कोई इस तरह किसी को लहूलुहान नहीं करता, शायद इसने कोई कसूर किया होगा। बाबू हमारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि हम निर्धन पैदा हुए, दूसरा कसूर यह है कि हमें विजय बहादुर जैसा मालिक मिला, और तीसरा कसूर यह है कि जब हमारी गर्दन पर छुरी फिरती है हमारे मुंह से छींक निकल जाती है। बस 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 बस, मेरी आप लोगों से विनती है, आप गांव वापस चले जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सब ठीक हो जाएगा। किसी ने सच कहा है, अपना अपना ही होता है और सौतेला सौतेला। रानी जी आप खामखा बात बढ़ा रही हैं, गोपाल साहब का क्या कसूर हो गया? आप इसे कसूर कहते हैं, ये उसने पाप किया है पाप। जो लोग हमारे टुकड़ों पर पलते हैं आज उनके सामने उसने मेरा अपमान किया है। आप ही कहिए, अगर उसकी अपनी माँ जिंदा होती तो क्या वो उसकी तरफदारी करता या उन किसानों की? मेरी अपनी माँ भी होती तो मैं किसानों की तरफदारी करता, मगर आप ये क्यों समझते हैं कि मैं आपको अपनी माँ नहीं समझता? किसान सच्चे थे इसलिए मैंने उनका साथ दिया, क्या ये पाप है? तू आज भी लैस से आया है, तुझे क्या मालूम जमींदारी के रख रखाव क्या होते हैं? वो दिन गए माँ जी जब खालिक और खलक में, राजा और प्रजा में, मालिक और नौकर में फर्क होता। गोपाल पिताजी हम लोगों ने सदियों से अपने ऊपर बड़ेपन का एक झूठा गिलास चढ़ा रखा है, मगर अब वो जमाना गया जब हम गरीबी की तजारत करते थे। किसान हो या जमींदार, मजदूर हो या मिल मालिक, सांस लेने का हर किसी को अधिकार है, मगर हमारे किसानों के चेहरों की बेबसी, उनकी झुकी हुई कमरें, उनके मुंह पर छाई हुई उदासी साफ साफ कह रही थी कि विजय बहादुर ने उनका खून चूस रखा है। गोपाल तुम मेरे भाई के खिलाफ जहर उगल रहे हो। माँ जी जब सांप का जिक्र छिड़ेगा तो जहर की बात भी चलेगी। गोपाल इस तरह चीख कर आप सच्चाई की आवाज को दबा नहीं सकते। गुस्ताख बेअदब बदतमीज, माँ के सामने जुबान चलाता है। बेअदबी माफ पिता जी, मैं नहीं जानता था कि इस नगरी में सच्चाई की आवाज बुलंद करना जुर्म है। गोपाल खाना नहीं खाओगे बेटे? पेट भर गया है पिताजी। जब तू बच्चा था तब भी तो कई बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया था। वो मेरे पिता का हाथ था, लेकिन आज आज ही मेरी सौतेली मां के पति का हाथ है। बेटे मेरे बेटे, मेरे शरीर का तू ही तो अंग है, अगर तूने भी मुझे पराया समझ लिया तो इस दुनिया में मेरा कौन है जिसे मैं अपना कहूं? मुझे समझने की कोशिश कर बैठे, जो माफ कर दे, जो माफ कर दे। अच्छा तो बाप बेटे से माफी मांग रहा है, शर्म नहीं आती आपको? रानी जी अगर बेटा भूखा प्यासा सो जाए तो क्या माँ बाप के दिल को चैन पड़ेगा? ये बात माँ बाप को नहीं बेटे को सोचनी चाहिए। चलिए चलो गोपाल खाना खा ले। वो कोई बच्चा नहीं जिसे पुचकार कर मना लेंगे आप, आइए। Thank you.
खाली, मैं नहीं खाऊंगा। मेरा अच्छा बेटा है ना, खा ले। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा तू नहीं खाएगा ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। पहले तू खाएगा फिर मैं खाऊंगी। अच्छा लेमू खोल। खरीदना पड़ता है, किसी के भूख प्यास का अंदाजा लगाने के लिए भूखा प्यासा रहना पड़ता है। रईसी की चादर ओढ़कर टाट और बोरिए के सपने नहीं देखे जाते बाबू। अगर हमारी हालत जानना चाहते हो तो उस नरक में रहकर देखो जिसकी नींव पर तुम लोगों ने अपना स्वर्ग बना रखा है। हंसती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। कुछ भी कहे कहती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। दुनिया हंसे हंसती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। नगरी गाता चल अपना राग सुनाता चल, प्यार सनम है प्यार खुदा दुनिया को समझाता चल। सुने न सुने कोई तेरी पुकार, दुनिया हंसे हंसती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। कुछ भी कहे कहती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। तुमसे भी प्यार इनसे भी प्यार, राम से भी प्यार है रहीम से भी प्यार। है प्यासी मन की ढोलक तन का सितार, दुनिया हंसे हंसती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। कुछ भी कहे हाँ कहती रहे मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। Thank you.
धनवान मिले, धरती के भगवान मिले। एक तमन्ना बाकी है इनमें कोई इंसान मिले, जिसको सलाम करूं सौ सौ बार। दुनिया हंसे हंसती रहे, मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। कुछ भी कहे कहती रहे, मैं हूँ गवार, मुझे सबसे है प्यार। मेरे हाथ से दिखा ले, देखा जलेबियों का रंग, आज मैंने घी की बजाय अपने खून में तली। क्यों गोपी, आया मजा? मजा तो आया कन्हैया, पर आज तूने शक्कर कुछ ज्यादा ही डाल दी है। अरे शक्कर तो बराबर की है मेरी जान, लेकिन तेरा मुंह जो ठहरा मीठा, इसके अंदर जो चीज भी जाती है उसकी मिठास दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। चल जूठा कहीं का, तुझे मेरे मुँह के मजे का क्या पता। अरे गोपी तू नहीं जानती, मैंने एक बार सपने में तेरा मुंह चूम लिया था, तब से समोसा भी खाता हूँ तो लड्डू का मजा आता है। दूर के लड्डू का मजा आता होगा। चल जल्दी से और दो गर्मा गर्म जलेबी दे, कहीं अंदर से तेरा कंजूस मामा ना आ जाए। अरे इस वक्त तो मेरा मामा आ जाता, उसकी भी जलेबी तल दूंगा। जरूर तल मामे की जलेबी, लेकिन होने वाले जलेबी के लाओ। अरे गोपी तू कहाँ चली, भाई से क्या शर्माती है? बाबा ये मेरा होने वाला साला और मैं इसका बहन, क्यों ठीक है? अरे चली गई, चौदह साल तू भी जा, अपनी पहली जाएगी मुझसे जलेबी। जलेबिया दे दो, नहीं तो बापू से तुम्हारी प्यार की शिकायत करूंगा। अबे ओ मुफ्त लाल की औलाद, लोग अपनी बहन की इज्जत पर पर्दा डालते हैं और तू दो जलेबियों की खातर उसको बदनाम करेगा। ले ले और खा जलेबियाँ, और याद रख जब तेरी बहन मेरी दुकान पे खड़ी हो ना, तू सच मत आया कर, समझा? अब भाग जा यहाँ से। ओए अरे आधी जलेबियाँ अपनी बहन को देना मेरे होने वाले साले। आज धार कल नकद, मामू भांजे की दुकान, देना एक पाव भर जलेबी लाला। बोलो नकद लोगे या उधार? अरे लाला आज उधार कल नकद की सूरत जानकर ही तो तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। अच्छा हाँ। तो फंसा एक और बकरा मामा। अरे मामा जल्दी से आइयो भाई, खाता लेकर, एक मुर्गा फंसा है। गाँग, गाँग। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया के घोड़े, ये मुर्गा मुर्गा क्या चिल्ला रहा है? आ हा हा हा, अरे ये तो ग्राहक है, ग्राहक भगवान का रूप होता है। बोलो बोलो प्रभु, क्या लेना है और कितने का? मामा पाव भर जलेबी 1 रुपये की। अच्छा अच्छा, पाव भर जलेबी 1 रुपये की। ये प्रभु क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम तो प्रभु का हुए लाला, वैसे लिख लो गरीबदास। अरे मैं पूछता हूँ, कुछ पढ़े लिखे भी हो? जरा जरा पढ़ तो सकता हूँ, पर लिखना मुश्किल है। तो लगाओ अंगूठा। अरे लाला अंगूठा भी लगाता हूँ, पहले ये तो बताओ खाते में लिखा क्या है? अरे मेरे दादा, लाला बजरंगी लाल की दुकान और धर्मराज की गद्दी में कोई फर्क नहीं है। जो कुछ लिखा है ना वही पढ़ के सुनाता हूँ। गरीब दास अता पता कोई नहीं ने, एक पाव जलेबी कीमत 1 रुपया, लाला बजरंगी लाल वाहिद मालिक मामू भांजे की दुकान से उधार ली। इस वादे पर कि अगर रुपया 1 महीने के अंदर अंदर लौटा दिया गया तो सूद होगा 2 दवन्नी, सिर्फ 1 दवन्नी रोजाना, और अगर रुपया लौटाने में 2 महीने लग गए तो सूद होगा 54, सिर्फ 1 54 हर दिवस। लगाओ अंगूठा। लेकिन मामा जिस आदमी का आता पता नहीं जानते उससे रकम कैसे वसूल करोगे? तू चुप बैठ, दे दे जलेबी। आ तू भैया गरीबदार, तुम शरीर के तो अच्छे खासे देखते हो, कहीं नौकरी वोकरी करोगे? अरे कर लूंगा लाला, मगर किसी हलवाई की नहीं, हाँ हवेली वाले के मिले तो ठीक। अरे तो भैया चला जा फिर सीधा ऊंची हवेली। लाला उस ऊंची हवेली का मालिक कौन है? देख भैया असली मालिक तो राजा राम प्रताप है, लेकिन वहाँ राज चलता है उनके साले विजय बहादुर का। ओ, मगर लाला
ये हवेली है कहाँ? अरे अरे अरे, तू तो बिल्कुल ही गंवा रहे। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, जरा हटियो तो भांजे। बड़ी मेहरबानी लाला। अरे मेहरबानी काहे की, ये तो मैं अपनी रकम पक्की कर रहा हूँ। सुन, विजय बहादुर की ऊंची हवेली में पहुँचने के लिए एक ही दरवाजा है, उसका नाम है मुफद्दल। तू ये जलेबियाँ खुद ना खाना, मुफद्दल के भेंट कर देना, बस समझ लेना तेरी नौकरी पक्की। मगर लाला पाव भर जलेबी में काम हो जाएगा? अरे भोले साई, ये तो जलेबियाँ हैं, मुफद्दल तो मुफद्दल दो ऊपर तक नहीं। तो तुम्हारा बैल मर गया है, नया बैल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जी पहले ये बताओ कि मरे हुए बैल की खाल कहाँ है? मुंशी जी, मुर्दार की खाल हम लोग नहीं उतारते। बेवकूफ हो तुम। अरे आजकल लोग जिंदा आदमी की खाल उतार लेते हैं, तुम मरे हुए बैल की नहीं उतारते? जाओ इस साल एक ही बैल से गुजारा करो, अगले बरस आना। और सुनो, खाली हाथ नहीं, क्योंकि मुफ्त लाल मुफ्त में किसी का काम नहीं करता। जाओ भागो, जाओ। सुन लिया, अब रख दो इनके चरणों में जलेबियां। अरे रे 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 रे, ये खाने की चीज कहां पैरों में डाल रहे हो? बजरंगी लाल, ये नई सूरत कौन है? मुंशी जी परदेसी हूँ। अरे भाई परदेसी तो मैं भी हूँ, काम क्या है? मुफद्दल जी देखिए, गरीब आदमी, आप इसका काम कर देंगे तो जलेबियों का आसरा हो जाएगा और भाई मेरी दुकान भी चलती रहेगी। कहो क्या कहते तुम्हें? मुंशी जी, अपने गांव में भगवान की दया से खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, घर बार था, खेती बाड़ी थी, लेकिन सरकार लो आ गए हमारे अन्नदाता। अब अपनी राम कहानी इन्हें सुनाओ। जय हो अन्नदाता। कौन हो तुम? हजूर, मेरा नाम गरीब दास है, 20 कोस दूर का रहने वाला हूँ। 4 बीघा जमीन थी हजूर, बाढ़ आ गई, खेती बाड़ी झोंपड़ी सब पानी पानी हो गया। ये सुनकर हजूर की शरण में आया हूँ कि आप दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। हजूर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में एक टुकड़ा जमीन इस गरीब को बोने को दे दें, आपका नाम ले लेके पेट पाल लेगा। मुफ्तलाल जी, अपने पास कोई जमीन का टुकड़ा है? सरकार टुकड़े तो बहुत हैं, लेकिन मेहनत मांगते हैं, ऊंची नीची पथरीली जमीन। कोई बात नहीं हजूर, धरती तो माँ होती है, बेटा माँ की सेवा करेगा तो मुझे भूखा नहीं रखेगी। ठीक है ठीक है, मुफ्तलाल जी इसको दे दो कोई जमीन का टुकड़ा, बाकी अपनी सब शर्तें ठीक तरह समझा देना। जय हो अन्नदाता की जय हो। ए गरीब दास, चल चल। चलिए मुंशी जी चलिए, बैठो बैठो, आराम से बैठो। कान खोल के सुन ले गरीब दास। जी मुंशी जी, जमीन के बदले में फसल का आधा हिस्सा जाएगा राजा साहब के पास। जरूर जाएगा मुंशी जी। हाँ, और उस आधे का आधा हिस्सा जाएगा हमारे अन्नदाता विजय बहादुर के पास, तुम्हारी रखवाली के बदले में। मगर मुंशी जी, अपनी रखवाली तो मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ हाँ भैया गरीब दास, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं जानते इस गांव में बहुत गुंडे बसते हैं। भूल होगी लाला, इसका मतलब है अपने को सिर्फ एक चौथाई मिलेगा। हाँ, और उस चौथाई में से जो तेरे दिल में आए मुझे दे देना, तेरी सिफारिश करने के बदले में। क्यों नहीं मुंशी जी, तुम्हारा हिस्सा तो सबसे पहले बनता है। मगर लाला फिर मैं क्या खाऊंगा? हाँ भैया, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, हमारी दुकान में सब चीज उधार मिलती है, जो जी चाहे लेते चले जाना, अंगूठा लगाते चले जाना। समझा? समझ गया मुंशी जी, सब समझ गया। हमारी फरियाद का जब उन लोगों पर असर नहीं होता तो हमें भी अपने बाजू से काम लेना चाहिए। अगर भगवान ने विजय बहादुर को जुल्म की ताकत दी है तो हमें भी उसी भगवान ने जुल्म का मुकाबला करने की शक्ति दी है। पर बिटिया, चूटी हाथी का क्या मुकाबला करेगी? अरे नाना, जब चूटी हाथी के काम में घुस जाती है तो वो अपनी सारी ताकत भूल जाता है। लेकिन बिटिया, विजय बहादुर के भांजे गोपाल बाबू जो आशा दिलाए रहे। काका, ये भांजा भी तो उसी थैली का बट्टा है जिसका मामा। अरे अब भाषण वाली, 5 उंगलियां सरी की नहीं होती, और फिर मालिक को गाली देने का क्या फायदा? ए, तू कौन है रे मालिक का हमदर्दी? पारो, ये है मालिक का नया भाड़े का टट्टू, विजय बहादुर जी ने काश के लिए इसे भी जमीन का टुकड़ा दिया है, इसका नाम है गरीब दास। गरीब दास? आए हाय, तो ये गरीब दास उस अमीर दास का भांपू है। सुन रे, तू नया बकरा है, जितनी ज्यादा मालिक की चमचागिरी करेगा उतनी जल्दी गर्दन पर छिरी फिरेगी, ये जुर्म की नगरी है। ए छोकरी, जबान को लगाम दे। ले। अरे अरे, इस गरीब को कोसने से क्या फायदा, जा तू अपना काम कर जाके, चल। भैया गरीब दास, बुरा ना मानना, ये मेरी धोती है पारो, जरा बेवकूफ है। कोई बात नहीं काका, छोकरियां तो देवियां होती है। ए देवी के भगत, चल मैं तुझे तेरी झोपड़ी दिखाऊं। हाँ मुंशी जी,
हम तो लुट गए बीच बजरिया। गरीबदास, ये रहा तुम्हारा शीश महल, यहाँ आराम से रहो, उगाओ खाओ, वरना फाके तो हैं ही। मैं चला। क्या शीश महल है। मेरा क्या दोष, दोनों झोपड़ों की दीवार जो ठहरी एक, मारो घुटना फूटे आंख, मैं सफाई की अपने झोपड़े में, भुचाल आ गया तेरी झोपड़ी में। देख बकबकिए, पड़ोस में नया नया आया है तो यहाँ के रंग ढंग भी सीख ले। हाँ। अरे मैं तो नसीब वाला हूँ कि तू मेरी पड़ोसन है, तू तो दो गाली देकर चुप हो जाएगी, कोई और होती तो झाड़ू उठा के मेरा मोर बना देती। ला तेरे पाँव की मालिश कर। अरे जाजा, मुझे छूने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अरे पाँव छूने में क्या है जरी। अच्छा तू मेरे पाँव छूएगा, तेरी माँ बहन लगती हो रे। राम 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 राम, ऐसे वचन बोल के अपनी जवानी को गाली मत दे गोरी। ये बात कहने का तेरा क्या मतलब रे। मतलब को उल्टा नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरी हर बात का मतलब भी सीधा होता है। हाय हाय, इतने सीधे नहीं जितने बनते हो। लेकिन याद रख, मुझसे छेड़ खाने का विचार तेरे मन में आएगा पिछाड़ी, तेरे पिटाई हो जाएगी गाड़ी चल भाग। जाता हूँ, बिगड़ती काहे को है, झाड़ू दे दे, चौका साफ करना है। ले पकड़, लेकिन संभाल के रख, नया नया खरीदा है। तू फिक्र मत कर, अपनी चीज समझ के संभाल के रखूंगा। अरे जा। अनाड़ी का पकाना और भात का सत्यानाश, कभी गीली लकड़ी से भी चूल्हा जले है रे। अरे नहीं जला तो जल जाएगा, धुएं की गर्मी से लकड़ी अपने आप सूख जाएगी। लेकिन तब तक तो धुएं से मेरी आंखें फूट जाएंगी। मगर अपना चूल्हा तो जल जाएगा। तेरा सत्यानाश हो रही, बड़ी मुश्किल से आग सुलगी थी, तूने फिर ठंडी कर दी। मेरा बस चले तो तुझे भी ठंडा कर दो, जो काम आता नहीं उसमें हाथ काहे को डालता है रे। सुन रही पारो, मेरे साथ ज्यादा गरम गरम होने की कोशिश मत करना, आखिर कुंवारों का चूल्हा है, जलते जलते ही जलेगा। न कुंवारों के चूल्हे जले न पराठे पके, चाहे चूल्हा जला चाहे अपने घर को आग लगा, लेकिन तेरा धुआं मेरी झोपड़ी में न आए। हाय हाय, तो क्या मैं धुआं बांध के रख लूं। बांध के रख या लपेट के मेरी जूती से। हाय रे तेरा नखरा, घूमे है नंगे पांव, बात करे है जूती की। राम करे अपनी खेती इस बार खूब फले फूले, तुझे सिल में सितारे वाली नई जूती ला दूंगा। अरे ओ गरीबू, सुन ले, कान खोल के सुन ले, मुझसे इधर उधर की हाँ की तो तेरी ही जूती तेरा ही सर। ये कहा का न्याय हुआ रही, मारना है तो अपनी जूती से मार, दोनों चीजें मेरी क्यों घिसे। अरे ओ फिर की ना उल्टी बात। लियो, कहने वाला कहे सीधी, सुनने वाला सुने उल्टी, इसमें मेरा क्या दोष। हाँ हाँ तेरा क्या दोष, दोष तो मेरे जन्म का है जो ऐसा पड़ोस मिला। चार पैसे पल्ले होते तो अपनी झोपड़ी को आग लगा देती, के साथ साथ तेरी भी जल जाती। चला दिया ना राम, कसम इतनी गर्म है कि सारा बदन ठुकरा। फूको और फूको, जब तक रात न हो जाए।
बेटा गरीबू, अपना चूल्हा फिर से गर्म कर ले। अरे बतीसी निकाल के आज क्या रही हो? तो क्या तेरी मूर्खता पर रोऊं? अरे पगले, अगर जमीन में अनाज उग सकता है तो रात को सूरज भी निकल सकता है। कौन जाने निकल भी आए, जब भगवान ने ये धरती बनाई थी तो सारी जमीन ऐसी थी। अपने हाथ पांव पे भरोसा होना चाहिए। ये पेड़ वेड़ क्या चीज है, ले देख। जय बजरंग। हाय राम। अब बोल। हाय, हाथ पांव का तो मजबूत है। अरे धन का भी मजबूत हूँ, जिसके पीछे पड़ जाता हूँ छोड़ता नहीं। अरे जबान है या चक्कू की धार? मैं तो तुम्हें समझा रही थी कि जवानी बर्बाद करनी है तो कहीं और जाके कर। इस बंजरबान जमीन से तुझे क्या मिलेगा? अरे भगवान, बीज डालने से पहले फल की आशा क्यों? मेहनत आदमी की आसरा राम जी का। फूटो अरे अब तो लुट गए बीच जंगल हुआ। आग मेहनत की हर एक दिल में लगाना है मुझे, भूख का नाम ही भारत से मिटाना है मुझे। जिस जमी से न मयस्सर हो किसी को रोटी, उस जमी के हर एक टुकड़े को जलाना है मुझे। अरे बिन बादल बिजली कहाँ चमकी रे, कहाँ चमकी हो रे, कहाँ चमकी रे, बोल जमुरे। कहाँ चमकी रे, वहाँ चमकी, वो तो परमा की आ रही है। अरे अरे पारो, राम कसम खूब मौके पे आई हो। आ देख बंजर जमीन में कैसे हल चले हैं। हाय हाय, तू तो सचमुच कोई भूत प्रेत है रे। अकेला आदमी भला जंगल में मंगल कर सकता है? भूत प्रेत तो नहीं रे, पर राम जी ने अपने हाथों में कुछ ऐसी हिकमत दी है कि जिसको हाथ लगा दे मोम की तरह नरम हो जाए, और जिस पे नजर डाल दे पानी पानी हो जाए। इसलिए तेरे गांव में बाढ़ आ गई थी और तू वहाँ से भाग निकला। अरे भागा तो किस्मत का मारा था, गाँव की छोकरियों ने जीना मुश्किल कर दिया था। तो फिर अभी तक मुस्टंडे का मुस्टंडा तुम्हारा कहे को बैठे रे? अरे जो मन भय वही सुहागन, कभी तो हमारा खाना लेके भी कोई आएगी। जब आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो मन ही मन पराठे पका और खा। चलो रे, खाना ठंडा हो जाएगा तो नाना गुस्सा करेगा। चल चल चल। अरे हम तो लुट गए बीच बजरिया। अरे हम तो लुट गए बीच बजरिया। अरे पिटुआ, तेरी उम्र अभी लुटने की नहीं है, चल हल चलाए। आलतू फालतू बातें मत करो, मैं तुम लोगों से सफा सफा कह देता हूँ कि मेरा रुपया सूद समेत मुझे मिलना चाहिए। मेरी पोथी में और मुट्ठे लगाने के लिए जगह ही नहीं है। तो लाला नई पोथी बनवा लो, मेरा सूद दे दो, पोथी भी नहीं बनवा लूंगा। आए लाला, इतनी गर्मी काहे को खाते हो, सूद भी दे देंगे और असल भी, फसल तो पक लेने दो। लो लस्सी पियो। लस्सी पीकर मैं अपने गले में रस्सी नहीं बनवाना चाहता। और हम ऊंचे जात के बनिया हैं, हम किसी के हाथ का छुआ नहीं खाते। मगर सूद तो खाते हो लाला। ये क्या हंस रहे हो, सूद खाना तो हमारा धर्म है। हम खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन सूद खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अरे ओ रतन बेटा, जल्दी आ रोटी खा ले। अरे जा बेटा खाना खा ले। रतन रतन, न जाने ये कीड़े मकोड़े पैदा करके मरने के लिए रास्ते में क्यों छोड़ देते हैं। दूर घोड़े पर बैठकर आपको आदमी का बच्चा भी कीड़ा नजर आ रहा है। मत भूलिए ये भी आपकी तरह किसी की आंख का तारा है, किसी के जिगर का टुकड़ा है। मेरे लाल, रतन तो पानी लेकर आओ। रतन मालिक, अब आप हमारे बच्चों को भी रोना शुरू कर दिए। किसे मालिक कहते हो, मुझे तो ये इंसान की शक्ल में शैतान नजर आ रहा है। गरीब हमारे सामने आंख उठाने की चीज कमी। बाप रे।
गरीबदास, तुम्हारा नाम गरीबदास जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें गरीबों की रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है। कहाँ मर गया तुम? मामा मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे शुक्र कर, पसीने छूट रहे हैं, प्राण नहीं छूटे। तो जल्दी से भाई खाता निकाल। क्यों, कोई नया बकरा फाटा मामा? अरे बकरा तो आज मैं खुद बन गया हूँ। याद है एक दिन वो आदमी आया था, एक रुपए की जलेबियां लेकर खाते में अंगूठा लगा गया था। अपना गरीब रहा? अरे गरीब दोस्त आएगा, वो तो चंगेज खान की औलाद निकला। क्यों मामा, डर गए उससे? डरता तो मैं घूमने पहलवान से भी नहीं हूँ, पर वो तो हंडू की सेवा बात ही नहीं करता। बेटे देख, उसका कागज निकाल, खाता निकाल, उसका कागज निकाल के फाड़ दे, चला दे, फेंक दे, कुछ भी कर दे। मामा भी सब ठीक कर देता, उसका कागज फाड़ दे। आहिस्ता आहिस्ता, यू फूल आहिस्ता। देखता नहीं सरकार को दर्द हो रहा है? सरकार, मालूम होता है आज आपको पहली बार पता चला है कि हंटर की मार कितनी जबरदस्त होती है। मुफ्तलाल, हमारे जख्मों पे नमक न छिड़को। नो साल्ट, नो साल्ट बिजनेस सर। सच कहता हूँ, जिस गोरे गोरे बदन पर बादाम के रोगन की मालिश होती थी, आज उस पर मरहम लग रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जाता सर। मुफ्तलाल, हमने भी फैसला कर लिया, अब किसी के साथ नेकी से पेश नहीं आएंगे। गुड, वेरी गुड। बट माई फूड मिनिस्टर, यानी कि मेरे अन्नदाता, आप एक काम और कीजिए। वो क्या? इस सेंटर को फूलों का बनवा लीजिए। मुझे तो डर लगता है सरकार, गरीब दास की देखा देखी कहीं दूसरे किसान भी आप पर इसी हंटर का इस्तेमाल ना शुरू कर दे। शट अप एंड गेट आउट। सरकार, जाता हूँ सरकार, जाता हूँ, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है, आपको सलाह देना मेरा धर्म है सरकार, आपको सलाह देना। अच्छा हुआ तुम आ गए, जाओ, सरकार को मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। हाय राम, मैं तो हार गई, अब खा भी लेना। देख पर भिखारी समझ के टुकड़ा मत डाल, जब लाई है तो प्यार से खिला। सुन गरीब, भूख लगी है तो अपने आप खा ले, बच्चा नहीं जो मैं हाथ से खिलाऊं। ये रही थाली और मैं चली। अरे तो अपनी थाली भी ले जा, तेरी दाल चावल के भूखे नहीं हम, 10-15 रोज के फाके का अभ्यास है हमको। मगर तू चाहता क्या है, वो भी तो बक। जरा इधर आ। ले आ गई। अरे जरा निकट तो बैठ। बैठ गई बक। देख पालू, खाना तो मैं अपने हाथ से खा लूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है रे? कि रात को तू कुएं वाले बगीचे में मुझे मिलने आएगी। मिलती है मेरी जुत्ती। बेशरम कहीं का, रात में अकेली को कुएं वाले बगीचे में बुलाने हैं। हाय हाय, तो तू भी कान खोल के सुन ले पारो, नहीं आएगी तो खा नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ नखरे क्या करता है, खा लेना। तो कुएं वाले बगीचे की सर काम क्या है वहाँ? अरे तेरा गहरा जेब थोड़ी उतारना है हमने, दो मीठे बोलों के भूखे हैं हम। चालाकी की बात तो नहीं? राम राम राम, चालाकी और तेरे साथ। अच्छा कर लिया तेरा विश्वास, आ जाओ, लेकिन अब पेट भर के खाना खा ले। अरे अब खाना क्या, तेरी थाली भी खा जाऊंगा। अरे बात तो सुन, बेशरम कहीं का। अरे शर्म तो गैरों से होवे, अपनों से काहे की शर्म। ए दे दी मेरी पाए। नहीं दूंगा। नहीं देगा तो ले, ये भी ले, कल गांव में पहनकर निकलना, खूब सुंदर लगेगा। अरे मैं क्या पहनूंगा, औरत का जेवर तो औरत को ही अच्छा लगे। आजा मेरी छाती पे खड़ी हो जा, अपने हाथों से तेरे पांव में बांध दूंगा। हाय राम, मेरा बोझ उठा लेगा रे? अरे क्या बात करती है, मर्द की छाती है, इस पर पत्थर तोड़ सकती है तू। आजा तो ले, कर ले अपना शौक पूरा। अरे तेरा तो फूलों से भी कम बोझ है, क्या बात करे तू।
हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे के बार बार तेरा बदन चूमे होता है मन तेरा पापी सजन नजरिया से मोरा जो बन चूमे नजरिया से मोरा जो बन चूमे हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे के बार बार तेरा बदन चूमे तेरा बदन चूमे के बार बार तेरा बदन चूमे नाच री इतना थक जाए पायल नाच री इतना थक जाए पायल हमरा करजवा हो जाए घायल की कली कली खिल खिल उठे जो एक बार मुखड़ा सजन चूमे जो एक बार हाय एक बार मुखड़ा सजन चूमे हाथ डालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है शाबाश दस दस के हजूर मजूरी आधी मिली है आज आधी एक गंवार किसान की जान की कीमत और क्या हो सकती है माई बाप
आप ये भी ना दें तो हरिया जुबान नहीं खोलेगा। लेकिन मैं एक काम और भी कराया हूं। वो क्या? गोदाम में बंद कराया हूं पारो को। पारो? ओ, जिसने उस दिन लपक कर हमारा हंटर पकड़ लिया था। जी सरकार। वैसे मैली कुचैली है, लेकिन सरकार के हाथ लगेंगे तो निखर जाएगी। हमारे गले में बाहें डालो, हम तुम्हें धरती से उठाकर आकाश पर पहुंचा देंगे। नीच कमीने, मेरे पास आओ तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। गंवार लड़की, हैंकड़ी मत दिखा। गरीब दास का हश्र तो तू देख चुकी है, और तेरा हश्र भगवान देखेगा। तू नरक की आग में जलेगा। इस वक्त तो हम तुम्हारी आग में जल रहे। जिद छोड़ दो और हमारे गले से लग खबरदार, जो आगे बढ़ा मैं तेरे खून कर दूंगी। थक जाए तो कह देना, घोड़े पर बिठा लूंगा। विजय बहादुर, Thank you.
रानी माँ की जय हो, जय हो। ड्राइवर जल्दी सामान उतारो, जल्दी करो, चलो। हाँ दीदी, शिकार पर, लेकिन जानवर के नहीं, सांप के। सांप का भी शिकार होता है? हाँ, हमारी जिम्मेदारी में किसान ने सांप का रूप बदल कर हमारे खिलाफ फन फैलाने की जुर्रत की है। मैं उसका सर कुचलने जा रहा हूँ। विजय, दुश्मन का खात्मा करना तो हमारा धर्म है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा, जब बंदूक में से गोली निकलती है तो धमाका पैदा होता है, और जब धमाका पैदा होता है तो दुनिया सुनती है, और जब सारी दुनिया सुन लेगी तो जानते हो क्या होगा? लेकिन दीदी, अब उस सांप का ज्यादा दिन जिंदा रहना हमारा अपमान। बेशक, लेकिन सांप सिर्फ एक हो तब ना, यहाँ तो कदम कदम पर दुश्मन भरे पड़े हैं। विजय, बदलते हुए वक्त ने काश्तकारों में हिम्मत पैदा कर दी है, वो लोग अपना हक मांगने लगे हैं। इससे पहले के वो लोग हमारा जीना मुश्किल कर दे, उन्हें बेदखल कर दो, निकाल दो अपनी जमींदारी। आज तक घर में हम नहीं चलेंगे। हाँ बेटा, बोलो राम राम राम। का खा मखा मगज खपावत हो भैया, तुम तो जानत हो कि जौन दिन से राक्षस विजय बहादुर रही पर घोड़ा चढ़ाए दिस, फिर की जबान नहीं खुली। तुम फिक्र मत करो काका, सब राम भली करेंगे, एक दिन मैं इसका इलाज कराऊंगा। ये तोते की तरह टुपुर टुपुर बोलेगा। ऐसन भैया? हाँ काका। अरे गरीबू, तू इधर बैठा है, उधर विजय बहादुर के आदमियों ने किसानों के हल रुकवा दिए, वो पापी सबको जमीनों से बेदखल कर रहा है। जमीनों से बेदखल कर रहा है, मगर क्यों? मालकिन के हुक्म से, मगर वो तो शहर में रहती हैं। अरे शहर में कहाँ, वो भी आजकल गांव में डेरा डाले बैठी है। गांव में डेरा डाले बैठी है, तो फिर लाठी कटासे की क्या जरूरत है? चलो उनसे मिलकर अर्ज करते हैं। हम बहुत अर्ज कर चुके गरीबों, अब तो जुल्म का मुकाबला हम ताकत से करेंगे। ठहरो भाइयों, इतनी ज्यादा गर्मी मत खाओ, खून खराबे से कोई फायदा नहीं पारो। एक दफा मुझे मालकिन के पास फरियाद लेके जाने दो, उस पे भी बात ना बनी तो सबसे पहले मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हाँ, दरवाजा खोलो। तुम जैसे भूखे नंगे राजा साहब की हवेली में नहीं आ सकते। मुझे रानी माँ से मिलना है। रानी माँ से कोई नहीं मिल सकता। अरे मालकिन से मिलना हमारा हक है, हम उनकी प्रजा है, उनसे मिलने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। मान सिंह, दरवाजा खोल दो, अंदर आने दो इसे। गरीबदास। गरीबदास, ऐसा लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है। रानी माँ, आपने हजारों गरीब देखे होंगे, सबकी शक्ल और पहनावा तो एक ही जैसा होता है, वही खद्दर की धोती और कुर्ता, और मुंह पे वही गरीबी की लानत। कहो क्या काम है? जी गरीब अमीर के दरवाजे पर दो ही कामों से आता है, फरियाद लेकर या भीख मांगने। तो भीख मांगने आए हो तुम? रानी माँ, जब भगवान ने ये हाथ दिए और सर पर आपका साया, तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो फरियाद लेकर आया हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? भगवान आपके भंडार भरे रखे, मगर जरा ठंडे मन से इतना तो सोचकर बताइए कि जिस गांव में चारों तरफ भूख का राज, गरीबों की हाहाकार, वहां ऐसी शानदार हवेली में किसी अमीर को नींद कैसे आती है? पहेलियां क्यों डाल रहे हो?
जो कुछ कहना है साफ साफ करो। कहना क्या है मालकिन, अर्ज करना। आपके राजा भैया को जब अच्छे अच्छे फलों का रस पीने को मिलता है तो फिर वो गरीबों का खून चूस के अपनी प्यास को बुझाते हैं। किसान आपकी प्रजा है, राजा प्रजा का पिता होता है। बच्चों को भूखा रख के बाप को क्या मजा आता है मालकिन। आपके राजा भैया ने किसानों को जमीन से बेदखल करके सिर्फ उन पे ही जुल्म नहीं तोड़ा बल्कि धरती मां को भी गाली दी। मां जी, वो धरती जिसमें अनाज उगने वाला हो उसकी उपज को रोकना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी गर्भवती नारी का गला घोंट देना। और कुछ कहना है तुम्हें? मां जी, दुख की कहानी बड़ी लंबी होती है और धनवानों का समय बड़ा कीमती। बस्ती के उजड़े हुए किसानों की तरफ से मैं आपसे न्याय की भीख मांगने आया हूं। वो भीख मेरी झोली में डाल दीजिए और धरती मां को बांझ होने से बचा लीजिए। मां जी, आप भी तो एक नारी हैं और नारी को संतान की कितनी इच्छा होती है आप अच्छी तरह समझती होंगी, और अगर नहीं समझती तो फिर मैं यही समझूंगा कि भारतीय नारी के दुनिया जो गुण गाती है वो एक ढकोसला है, झूठ है, बकवास है। आप सचमुच विजय बहादुर की बहन है, उसके हंटर आपके थप्पड़ की चोट में कोई फर्क नहीं। मां जी, माएं हमेशा अपने बच्चों पे हाथ उठाती हैं लेकिन बच्चे अपनी मां पे कभी हाथ नहीं उठाते। ये बच्चा आपकी ये भेंट लेकर जा रहा है मां जी, मगर जाने से पहले इतना जरूर अर्ज की देता है कि अब युग बदलने वाला है और जब युग बदलता है ना तो सब कुछ उलट पलट हो जाता है। बात है भाई, रोक दे ये हल, खोल दे बैलों की जोड़ी। क्यों? रानी माँ का हुक्म नहीं सुना? इस दफे जमीनों में फसलें नहीं बोई जाएंगी। तो क्या इस दफे फसलें आकाश में बोई जाएंगी? अरे ये हम कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ रानी माँ के हुक्म के गुलाम हैं। अरे मूर्खो, गुलामी की छाया में जिंदगी किस काम? गुलामी करनी है तो उस मालिक की करो जिसने इतनी विशाल धरती बनाई। गुलामी करनी तो इस धरती माँ की करो जो अपना कलेजा काट काट के तुम सबका पेट भरती है। अरे फसलें नहीं बोई जाएंगी तो तुम्हारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अरे तू हमारी फिक्र ना कर, हमारा पेट भरने के लिए विजय बहादुर काफी है। मगर उस विजय बहादुर से पूछो, उसका पेट कौन भरता है? अगर ये धरती ना होती, अगर हम सब ना होते तो वो किसी गली में भीख मांगता नजर आता। गरीब दास, अपनी औकात देख कर बात कर। विजय बहादुर का हुक्म ना मानने का नतीजा जानता है? मैं तो कर्म करना जानता हूँ भाई, भाग्य की बात वो तो राम जी जाने। तो तू हल चलाएगा? हल तो जरूर चलाऊंगा। भिकू शामू उठाओ लाठियां। अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की ठान ही ली है तो मुझे अपना मुंह ढांप लेने दो। अरे अभी तक तो अकड़ के मारे आसमान छू रहा था और अब कायर की तरफ मुंह ढांप लिया? ऐसी बात नहीं मेरे भाई, मेरा तुम लोगों से कोई बैर नहीं। मरने के बाद जब भगवान के पास पहुंचूंगा तो मुझसे पूछेंगे, बोल गरीब दास तेरी हत्या किसने की? तो मैं यही कहूंगा, प्रभु मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। चलाओ लाठियां।
नौकरिया, जो आदमी मरकर भी हमारी भलाई चाहता हो हम उससे वार करें? उस दिलो इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। हरिया, मिठास को मिठास ही कहेंगे, नमक कैसे समझ लें? नमक हरामो, नमक की कीमत तुम क्या जानो? किसानों, ये धरती तुम्हारी है माँ, जिंदगी में कोई माँ से प्यारा नहीं। मेरी आवाज सुन लो मेरे साथियों, फिर न कहना कि तुमको पुकारा नहीं। आओ मेरे साथियों, आओ रे साथियों, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु। कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। गर्मी हो या सर्दी कभी होती नहीं बेकल, चुपचाप सहा करती है बरसात का जल थल, चुपचाप सहा करती है बरसात का जल थल। खुद मिट के इसे आता है औरों को बनाना, कुछ भी न कहे छाती पे दिन रात चले हम, कुछ भी न कहे छाती पे दिन रात चले हम। भूखा तो उठाए कभी भूखा ना सुलाए, पापों से बचाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती। इतना बड़ा संसार कहो आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से। इंसान ने ये हीरे, ये मोती, ये जवाहर पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से, पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से। वो कौन है खुश हो के जो धन अपना लुटाए, कुछ भी न छुपाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती। धरती की इसी धूल में जीवन है सभी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का। चंदन को जो शर्माए यही तो है वो माटी, किस
माटी से माथे पे लगाते चलो टीका, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका। वो कौन है आकाश जिसे चूमने आए सीने से लगाए, यही धरती यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए खेतों को हंसाए, यही धरती यही धरती यही धरती। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, अपने ही आदमी गरीबदास के साथ मिल गए। क्या जमाना आ गया कि नमक हलाल को नमक हराम बनने में दो पल भी नहीं लगते। विजय, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? दीदी, किसानों ने हल जमीन पर नहीं मेरी छाती पर चलाया। फिर फसलें जवान हो जाएंगी। ओ विजय, जवानी को मौत भी तो आ सकती है, फसलें पकेंगी और जरूर पकेंगी। किसान जवान फसलों को देखकर खुशहाली के सपने भी देखेंगे। लेकिन विजय, सपना वो जो पूरा हो जाए। खान साहब, आपकी बात मानकर मैंने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन नतीजा ये निकला, न मैं इधर का रहा न उधर का। जवान बेटा घर छोड़कर चला गया और बीवी गर्मी खाकर अपने भाई के पास चली गई। राजा साहब, दोस्ती के नाते मैंने दूसरी शादी का मशवरा जरूर दिया था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि बीवी को सर पे चढ़ा के रखिए। मुझे देखिए, घर में तीन तीन बीवियां हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है जो आंख उठा के बात करे? अपनी अपनी किस्मत है खान साहब, लेकिन अब मैं क्या करूं? ना मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूं, ना अपने इकलौते बेटे को। उसकी जुदाई का गम मुझे खाया जा रहा है। मैं एक रास्ता बताता हूं। अखबारों में यह इश्तिहार छपवा दीजिए कि आप बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि साफ साफ लिखवा दीजिए कि आप आखिरी दमों पे हैं। गोपाल जी पढ़कर जरूर मिलने आएगा। बात कुछ समझ में आ रही है खान साहब? हाँ, समझ में तो आती है, लेकिन जरा देर से। अरे ओ गरीबू, सारा दिन खेतों में हो क्या करता रहता है? जरा अपने खाने पीने की फिक्र भी तो कर। अरे हम तो लुट गए बीच बजरिया। आजा पारो रानी, आजा। ले पकड़ अपनी रोटी, मैं चली नाना को खिलाने। अरे तो जा पहले नाना को खिलाया, फुर्सत में आके मुझे खिलाइयो। बड़ा जुल्मी है रे, चल पहले तू ही खा। अब कुछ हुई बात? अब हाथ पकड़। चल आजा। अरे पारो, अगर तू ना होती तो हम तो परदेश में भूखे मर जाते। ऐसा क्यों बोलता है रे? तू ना होता तो सारे गांव वाले भूखे मरते। देख दूर दूर तक ये फसलें तेरी ही गुण गा रही हैं। अरे मुझ में कौन गुण है, ये तो सब राम की महिमा है। आ बैठ, बैठ ना। गरीबू, राम करे तुझे किसी की नजर न लगे। अरे पारो, जिसे तेरी नजर लग जाए उसे दुनिया की कौन सी नजर लग सकती है? राम कसम, तूने तो जीना मुश्किल कर दिया हमारा। हट, मुझसे बकबक करता है। नाना से बात क्यों नहीं करता? अरे बस आपके फसल कट जाए, नाना से सारी बात पक्की कर लेता हूँ। अरे भैया गरीब दोस्त, तेरी बात तो पक्की है लेकिन अपनी कच्ची हो गई। अरे तुझे क्या हुआ रे कन्हैया? मैं गोपी को चोरी चोरी जलेबियां और केले खिलाया करता था, मामा को पता चल गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। गरीब दास, ये मेरी मोहब्बत का सवाल है, मैं गोपी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ए गरीबू, तू सबका कल्याण करता है, इसका भी कुछ कर देना। अरे तू जिसकी सिफारिश करे उसके लिए तो जान लड़ा दूं। ठहर जाबे, थोड़ी रोटी खा लूं, चलता हूँ तेरे साथ। आज से एक साल पहले तूने 5 रुपए की मलमल ली थी। हाँ लाला ली थी। अच्छा, 6 महीने हो गए, 12 आने का लिया था, रंग दुपट्टा रंगने के लिए लिया था। याद आ, हो गए 5 12 5 12 कितने हो गए? 17 रुपये दे जा हिसाब साहब। लाला मेरे पास तो 9 रुपये ही है। 9 रुपये ही है? चल फिर 9 रुपये दे जा, माँ बेटे में कुछ झगड़ा थोड़ी है, मैं बाकी लिख लेता हूँ। अच्छा लाला मैं चलूँ। अरे रुक जा, ये
गुड़ ले जा बच्चे के लिए, मेरी तरफ से मुंह मीठा करा दीजिए उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राम भजन कर पानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी रे, दो दिन की जिंदगानी। जाओ बाबा जाओ, ये संसार राज की दूसरी जगह जाके सुना, जाओ। सब ठाट ठरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अरे महाराज रास्ता ना बोलिए, बनिए की दुकान है यहाँ, हर चीज या तो नकद मिलती है या मिलती है अंगूठा लगा के। अरे मूर्ख, तुम हम बैरागियों से सौदे सुल्फे की बात करते हो? जानते हो हम नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमकर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पधारे। हाँ हाँ, तो आपको मेरी सूरत में भगवान दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आप चले? अरे पापी, भगवान तो हमें डाल डाल पाप पाप में दिखाई देते हैं, तेरे लिए तो हम स्वयं यमराज का संदेशा लेकर आए हैं। बोल, तेरा नाम बजरंगी लाल है? हाँ है, कोई ऐतराज है आपको? पिता का नाम भैरव प्रसाद, माता का नाम लीलावती जी। महाराज, जब तुमने इस गांव में दुकान खोली तुम्हारे पास सिर्फ 16 रुपए 3 आने थे? हाँ महाराज, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। और वो 16 रुपए 3 आने छल पाप कपट की कमाई बढ़ते बढ़ते हजारों हो गए। महाराज जरा धीरे बोलिए, चोरी चकारी का जमाना है और फिर सरकार भी टैक्स मार देती है। आप विराजिए, बैठिए महाराज। निरंजन बोल मूर्ख, अब सुनेगा आकाशवाणी? हाँ महाराज, शुभ शुभ बोलिए, मैं कान खोल कर सुनूंगा। तो सुन, परसों रात हमें सपने में अपने स्वर्गीयवासी गुरुदेव के दर्शन हुए। हाँ महाराज, जरूर हुए होंगे। और गुरु का वाक्य था? क्या वाक्य था? कि इस गांव का बनिया बजरंगी लाल 10 रोज बाद बैठे बिठाए कान छोड़ देगा। नहीं नहीं, आपके गुरुदेव मुझे नहीं जानते, मैं तो अपनी मर्जी से सूद नहीं छोड़ता, फिर प्राण कैसे छोड़ दूंगा महाराज? चुप मूर्ख, जीवन मरण मनुष्य के बस की बात नहीं। हमारे गुरु ने एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा कि बजरंगी लाल बनिया अपने मरने के 1 साल के अंदर अंदर अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार के घर में फिर से जन्म लेगा। मगर महाराज, मेरा तो कोई बंधु नहीं, मित्र नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, ले दे के एक भांजा है, वो भी निकम्मा आवारा और तुम्हारा। तो बस अपने उस कुंवारे भांजे की शादी 10 रोज के अंदर अंदर कर दो। शादी? इतनी जल्दी कन्हैया की शादी तो मैं गोपी के संगी कर सकता हूँ, पर मेरा 7,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, कन्हैया मेरा भांजा है, अगले जन्म में मैं जब उसके घर जन्म लूंगा तो वो मेरा बाप बन जाएगा। मतलब ये कि इस जन्म में तो माल मेरा है ही, अगले जन्म में भी मेरा रहेगा। पर महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले जन्म में मेरे जवान होने से पहले पहले कन्हैया मेरी सारी जायदाद खत्म कर दे? ऐसा नहीं हो सकता प्राणी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने एक बात और कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि बजरंगी लाल बनिए को दूसरे जन्म में राजयोग प्राप्त हो। महाराज, तो क्या अगले जन्म में मैं कोई मिनिस्टर बन जाऊंगा? अवश्य बनोगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 दिन से पहले ही मर जाऊं? असंभव असंभव। बजरंगी लाल मत भूलो, अभी तुमने अपने भांजे की शादी करनी है। गुरुदेव गुरुदेव, आप कहाँ लोप हो गए थे? महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं। मत बोल कन्हैया, मेरे प्यारे भांजे ऐसे शब्द मत बोल, तेरा मामू अभी जिंदा है, वो मामू जो साल भर के अंदर तुझे बापू कह के बुलाने। प्रकृति के वो भेद हमने तुम पे खोले हैं, तुम दूसरों पे नहीं खोल सकते मनुष्य। अजी गोली मारिए मामू को महाराज, और ध्यान दीजिए इस भांजे की तरफ जो आपकी शरण में आया है। चलिए चलिए, इस मिथ्या संसार से कहीं दूर चले। महाराज लाइए अपना आसन और कमंडल। नहीं 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 कन्हैया, देख तुझे मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे तेरी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। असंभव असंभव। शांत बालक शान, योग और ज्ञान तो कर्मों से मिलते हैं, हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी माथे की रेखा ये कहती है तुम्हें अभी गृहस्थ आश्रम का फल भोगना है, तेरा ब्याह अवश्य होगा और तुम्हारे घर में एक जान सा बालक भी होगा। महाराज, दूसरे जन्म में आदमी की शक्ल बदल जाती है क्या? महाराज मैं समझ गया, अब मैं चुप रहूंगा। कुछ चुप रहोगे तो सुखी रहोगे बच्चा, मरना सत्यानाश है, अच्छा बालक कल्याण। हम चल दिए। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले। क्या हालत बना रखी है तूने कन्हैया? घबरा नहीं, मैं आज ही मफतलाल से बात करूंगा, गोपी का तुझसे ब्याह करा दूंगा। मेरा बच्चा, मेरा बाप।
यदुभद्र नंदना सुर स्वाहा। बनाइयो बजरंगी लाला, बनाइयो लाला, बनाइयो लाला। ले मुंह में खिला, ये ले पकड़। हाँ भाई पंचो, कन्हैया की शादी तो हो गई। अब मैं आप सबके सामने अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी सारी जायदाद इसके नाम लिख देता हूँ, ताकि इसके बच्चे सुख और चैन से जिंदगी बिता सकें। गजब हो गया लाला, सारे गांव से अंगूठा लगवाने वाला आज खुद अंगूठा लगावे है। जब मनुष्य की काया पलटती है ना, उसका मन सबसे पहले बदलता है। अरे भाई ठीक कहते हो भैया गरीबदास, बिल्कुल ठीक कहते हो। लो तुम भी ला, 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 ला। ले बिटिया तू भी ले। अरे रामू, अरे जलेबियां क्या देख रहा है आए? पारो जरा इधर तो आइयो। अरे आ ना, क्या बात है रे? पारो मैं जरा अपने गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहे हैं? मगर क्यों? वो मुझे याद आ गया कि मेरी माँ की तिथि है और अपने गांव जाकर मुझे ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। अरे तू फिक्र क्यों करती है, दो चार रोज में आ जाऊंगा। ले ले जलेबी खा। खान साहब, अखबारों में भी इश्तिहार दिए गए लेकिन गोपाल अभी तक लौटा नहीं और उधर रानी जी भी गांव से वापस नहीं आई। राजा साहब, इस बात का फैसला कैसे होगा कि आपको गोपाल का गम है या रानी जी की याद सता रही? काश मेरी तबीयत भी आप जैसी होती। आप तो बड़े से बड़ी मुश्किल को हंसी में टाल देते हैं, लेकिन मेरे दिल पर जो आरे चल रहे हैं वो मैं ही जानता हूं। पिताजी, गोपाल, गोपाल, गोपाल मेरे बच्चे। आपकी सेहत कैसी है, क्या हो गया था आपको? इकलौते बेटी की जुदाई से बढ़कर कोई बीमारी नहीं होती गोपाल, तो कितना निर्दयी है, अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया। आप पूज्य हैं पिताजी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आप में और रानी मां में किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो। शाबाश शाबाश, भतीजा तेज मिजाज है तो समझदार भी है। राजा साहब, नई फसल की कटाई के लिए आप गांव तो जाने वाली हैं, गोपाल आया है इसको भी साथ लेते जाइए, भाभी वहां है, दोनों में मन मिटाव हो जाएगा। और सुनो बेटे, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, अगर वो कहीं गलत बात भी कह जाए तो उनकी खुशी के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं और अपना मतलब निकाल लेते हैं। अरे जरा सी एक्टिंग करने में अपना क्या घिसता है? आप ठीक कहते हैं अंकल। देखो, अकलमंद आदमी एक बार मार खाता है, अगर कोई कमी रह गई हो तो अपने जीजा जी के आने से पहले पूरी कर लो, वरना उनके आने पर तो मामला चौपट हो जाएगा। घबराती क्यों हो दीदी, मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है कि उनके आने के बाद ही सारा मामला चौपट हो। शायद वो आ गए। कम वक्त की उम्र भी लंबी मालूम होती है। ए, अपना काम करो। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। आ गए आप। रानी जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आपकी याद पीछा ही नहीं छोड़ती। रहने दीजिए, साफ साफ क्यों नहीं कहते, फसल की कटाई पर आए हैं हर साल की तरह। गोपाल। नमस्कार मदर। बस बस, इतना ही काफी है। अच्छा ये बता, कहाँ रहा तू इतने दिन? जी बस यूं ही पागलपन में भटकता रहा। माता पिता के होते हुए बेटा भटकता रहे, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अरे गोपाल, तू तो सरासी बात पर उठकर चला गया, जानता है तेरे पिताजी कितने परेशान रहे तेरे लिए। माफ करना माताजी, गलती हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। दीदी, माँ का तो बेटे पर अधिकार होता ही है, लेकिन मामू भांजे का रिश्ता भी तो कोई चीज है, जरा मामू को भी भांजे से मिलने दो। गोपाल, ये है मेरे भाई, तुम्हारे मामा तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहे थे। नमस्कार मामा जी। अरे भाई, इस तरह हाथ जोड़कर नहीं, बाहें फैलाकर पहली बार मामू से मिल रहे हो। बोला राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। अन्नदाता, अब अपने शुभासन से कटाई का मुहूर्त कर दियो। बेटा गोपाल। जी पिताजी। तुम बरसों बाद गांव आए हो, ये शुभ काम तुम अपने हाथ से करो।
जो आ गया पिताजी। सरकार के बाल धूना। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? सरकार, सारी फसल कट के खलिहान में पहुंच गई है। भगवान की दया से मालिक की बखत बहुत अन्न भया है। हम बहुत खुश हैं। और सरकार, इस खुशी को मनाने के लिए सारे गांव वालों ने आज रात जश्न का फैसला अच्छा? किया है। अगर सरकार भी पधारे तो बहुत कृपा होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, आप नहीं जाएंगे। तानी माँ, हम तो बहुत आस लेकर आए थे। ठीक है, ठीक है, गोपाल चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बाद तुम लोगों का मालिक यही तो है। क्यों बेटा गोपाल, जाओगे ना? जो आगे पिताजी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जाओ। गोपाल, जश्न में जाना जरूर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। तेरा चिकना रूप है ऐसा, रूप है ऐसा, अनार जैसे गजरीला पगली, अनार जैसे गजरीला। खिल जाए ना हाथ कहीं तेरा, हाथ कहीं तेरा, बदन मेरा पथरीला पगले, बदन मेरा पथरीला। सुनरी पगली खाए चुगली, अखियां लाज की मारी, अब तक रही कुंवारी, कारण क्या होगा? तू कारण क्या जानी, हो पगली दीवानी, कारण क्या जानी, हो पगली दीवानी। मैं तो पग से जाए ना हाथ कहीं तेरा, हाथ कहीं तेरा, बदन मेरा पथरीला बदले, बदन मेरा पथरीला। उड़ते बालों की कसम, तेरे गालों की इन उड़ते बालों की। जल जाएगा ये दीवाना, ना फिर बचताना, ना आंसू बहाना, बहाना तेरा चिकना रूप है ऐसा, रूप है ऐसा, अनार जैसे गजरीला पकली, अनार जैसे गजरीला। खिल जाए ना कहीं तेरा, हाथ कहीं तेरा, बदन मेरा पथरीला बदले, बदन मेरा पथरीला।
खलियान में आग लगाई है। बोल बोल, तुमने क्यों आग लगाई है? नहीं बताओगे? कमीने, वरना मैं तेरा खून। बस करो गोपाल और मत मारो, हो सकता है बेचारा निर्दोष हो। अगर ये निर्दोष होता तो इस तरह खामोशी से मार नहीं खाता। अरे दास, सच बोलने से क्यों डरते? आज रात किसी बागी नहीं लगवाई होगी। ले दो अपना नाम। बोल तो तुम, लेकिन वो लोग मुझे जान से मार देंगे। हरिया, तुम हमारी पनाह में हो, फिर डर किस बात का? माय बाप, खेतों में आग लगाने के लिए मुझे भड़काने वाला गरीब दास। ये झूठ है, बकवास। गरीबों का दोस्त गरीबों का दुश्मन हो ही नहीं सकता। गोपाल बाबू ने हरिया को मार मार के लहूलुहान कर डाला, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि आग गरीब दास ने लगवाई। सच पूछो तो सब मुझे भी गरीब दास पर है। लंका भी तो घर का भेदी ही ढाका है। नाना, ये कैसी बात करते हो तुम? विजय बहादुर के इशारे पर हरिया ने सदा हम पर जुल्म किया है, हम उसकी बात को सच कैसे मानिए? गरीब दास हमारा मित्र है, हमारा हितकारी है, हम उसको शत्रु क्यों समझे? गरीब दास हमारा मित्र है तो चोरों की तरह छुपा हुआ क्यों है? इस संकट में आकर हमारा दुख दर्द क्यों नहीं बांटता? गरीब दास दोषी है, गरीब दास मक्कार है। गरीब दास कौन कहता है कि आग मैंने लगाई? अगर मैं ये जानता कि मेरे पीछे ये अन्याय हो जाएगा तो मैं अपने गांव ही नहीं जाता। तू आ गया गरीब, खबर है तेरे पीछे क्या हुआ? साफ खबर है, पर कल्याण को आग लगाने का इल्जाम मेरे सर पर रखा गया। अरे मूर्खो, बच्चा जिस माँ की गोद में पलता है उसी माँ का गला नहीं घोटता। मुझे कसम है इस धरती माँ की, अगर मैंने ये बैर कमाया।
सुने न सही, किसी ने तो ये भैर कमाया, हम तो दाने दाने को मोहताज हो गए। तुम चिंता नहीं करो चाचा, क्या हुआ जो हमारे पास अनाज नहीं उसके पास तो है, जिसने हमारे खलिहान में आग लगवाई। क्या मतबल? अरे चाचा, राजा साहब के गोदाम तो अनाज से भरे हुए हैं, अगर हम ना होता तो गोदाम कहां से भरते? हम मींच का जवाब पत्थर से देंगे। आओ भाइयों। एक शरीफ आदमी समझकर उसे जमीन काज के लिए दी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो आस्तीन का ही सांप निकल आएगा। मामा जी, आप गरीब दास के नाम की रट लगाते रहेंगे या गरीब किसानों के बारे में भी कुछ सोचेंगे, जिनकी सारे साल की खुराक ही नहीं, सारी उम्मीदें भी जलकर राख हो गई। गोपाल, किसानों से ज्यादा तो हमारा नुकसान हुआ है। जब कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम किसी के बारे में क्यों सोचे? आप भी ठीक कहती हैं माता जी। ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? क्या बताऊं हुजूर, कल रात में गोदाम के बाहर पहरा दे रहा था कि कुछ लोगों ने पीछे से आकर मुझ पर लाठी से हमला किया और अनाज का एक एक दाना लूट कर ले गया। कौन थे वो, तुमने पहचाना किसी को? अंधेरे में सबको तो ना पहचान सका, लेकिन उनमें सबसे आगे गरीब दास था। गरीब दास? जी जाजी, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया। मालूम होता है कि ये आदमी किसी ऐसी पार्टी का एजेंट है जिन्हें खाते पीते लोगों से खामखा खबर। तुम ठीक कहते हो विजय, पहले उसने हमारी फसलें जलाई, फिर किसानों को हमारे खिलाफ भड़काया, हमारा अनाज लूटा और अब उनका लीडर बन बैठा। हाँ माँ जी, लीडर ऐसे ही बनते हैं। मफतलाल, गरीब दास को हमारे सामने पेश करो। ये कहाँ से पेश करेंगे, किसान तो पहले ही उसका अता पता नहीं बताते और अब तो उनके घर हमारे अनाज के दानों से भर गए, अब वो अपने लीडर को क्यों हमारे हवाले करने लगे? करना ही पड़ेगा। मफतलाल, किसानों की बस्ती में मुनादी करा दो कि सूरज गुरूब होने से पहले गरीब दास को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो एक एक के झोपड़े में आग लगा दी जाए। गरीब दास को हमारे हवाले करते हो या नहीं? नहीं, नहीं। नहीं तो तुम्हारे झोपड़े जलाकर राख कर दिए जाएंगे। उस राख से भी फूल खिलेंगे। हमारे पास चांदी का जूता है, वो फूल मसल दिए जाएंगे। पिताजी, इंसान होकर इंसान पे जुल्म क्यों? किसी एक के गुनाह की सजा सारे गांव को क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो इन सब का नेता है, हमारे खिलाफ इन लोगों को भड़का रहा है, उसी के कहने में आकर हमारे गोदाम लूट गए। मगर पिताजी, आप भूख को बगावत का नाम नहीं दे सकते। गोपाल, तुम्हारी उम्र नसीहत देने की नहीं, नसीहत सुनने की है, तुम खामोश रहो। मगर मैं ये सब जुर्म देखकर खामोश नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो घर चले जाओ। इमली के पेड़ पर लगा लो नारे, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लो। तुम्हारी जबानें तब बंद होगी जब तुम्हारे झोपड़ों से शोले उठ उठकर आसमान से बातें करने लगेंगे। मुशाले तैयार हैं? बढ़ाओ आगे। गरीबू, तो यहाँ क्यों आ गया है? तू चुप रह पा रहा हूँ। हजूर, गोदाम मैंने लूटा है, ये सब लोग निर्दोष हैं। गोदाम तुमने लूटा है? क्या समझ कर लूटा है? अपने ही घर में डाका डाले हैं राजा साहब, कोई पराये के नहीं। क्या गोदाम तुम्हारे बाप का है? गोदाम तो आपका है सरकार, मगर उमा भरा हुआ अन्न हमारे पसीने की कमाई है। तेरे पसीने की कमाई है? डाकू, लुटेरे, बदमाश, आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आगे बढ़े उसे गोली मार दो। मार गोली, हिम्मत है तो मार, मार गोली, मार। हटा दो इसे सामने से। लीच कमीने, तेरे हाथ में कीड़े पड़े, छोड़ दो मुझे, विजय बहादुर खुद से। लफंगे।
मालिक है, हमारे पिता समान है। चाहे मेरी जान ले लो, पर इन गरीबों को जीने का हक दो, इन पे तरस खाओ मालिक। ले जाओ इस कमीने को, दूर कर दो मेरी नजरों के सामने से, पुलिस के हवाले कर दो इसे। का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। चले थे बड़े थाने लेकर, एक एक की हड्डी नरम करके आया। बहुत अच्छा किया गरीबू। मगर पारो, अब एक समस्या है। क्या? विजय बहादुर के आदमी दिन रात मुझे त्रास करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें चोरी छुपे मिला करूंगा। लेकिन गरीबू कब तक? जब तक विजय बहादुर का नाश नहीं हो जाता, हम गरीबों को पेट भर के रोटी नहीं मिल जाती। अच्छा काका, मैं जाता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। न जाने मेरा मन पछतावे की आग में क्यों जल रहा है, मेरे हाथ अभी तक क्यों कांप रहे हैं। रानी जी, जिंदगी में मैंने लोगों पर कई बार गुस्सा किया है, इन्हें धमकाया भी है, लेकिन जब से गरीबदास पर हाथ उठाया है, मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। तो बेचैनी दूर कर लीजिए, बुलाइए उसे, छाती से लगाइए, ठंडक पड़ जाएगी। रानी जी, दुश्मन से बदला लेना हम भी जानते हैं, लेकिन लेकिन न जाने मन के किसी कोने से आवाज बार बार आ रही है कि कहीं वो निर्दोष ना हो, जिसे हम बेगाना समझ रहे हैं, कहीं वो अपना ना हो। अपना लीजिए उसे, अपनी सारी खेती बाड़ी उसके नाम कर दीजिए। रानी, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा दिल जो कुछ महसूस करता मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता। सरकार, सरकार, बड़े सरकार, वेरी बैड न्यूज, यानी मनहूस खबर। क्या मनहूस खबर? आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या हुआ? मिल में हड़ताल, मजदूर आपे से बाहर। रानी जी, जल्दी से शहर चलने की तैयारी करो, अगर हम वहां वक्त पर ना पहुंचे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो जल्दी करो। ठीक है। गोपाल, बेटा गोपाल। जी बेटा। देखो गोपाल, मैं और तुम्हारी माता जी शहर जा रहे हैं, मिल में मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है। जी? शहर में मजदूरों की हड़ताल, इधर गांव में किसानों की बगावत, न जाने क्या होने वाला है। घबराइए नहीं बेटा जी,
सब अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? आप परेशान क्यों होते हैं? आप चाहे तो मैं आपके साथ शहर चलूं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी तफरा तफरी फैली हुई है, तुम और तुम्हारे मामा मिलकर यहाँ के हालात पर काबू पाने की कोशिश करो, मैं वहाँ सब संभाल लूंगा। सुनो, गोपाल के कारनामे ऐसे होने चाहिए कि बाप बेटे से बदसन हो जाए और इतना कि वो उसे जायदाद से बेदखल कर दे। विजय, आखिर मेरे भाई हो ना, मुझे सोचने में देर लगती है लेकिन तुम्हें समझने में नहीं। अच्छा बेटा गोपाल, हर कदम पर अपना ख्याल रखना, गांव और शहर में बहुत फर्क होता है। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं यहाँ अकेला तो नहीं, मुझे रास्ता दिखाने के लिए मामा जी साथ हैं। लेकिन मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपना रास्ता आप बनाओगे। जी बैठिए रानी जी, सफर दूर का है, रात बढ़ती जा रही है। अच्छा गोपाल। नमस्कार माता जी। विजय, गोपाल का ख्याल रखना, इसे पलकों पर बिठा कर रखना। चलो ड्राइवर। प्रणाम पिताजी। जी तरफ गोपाल, तुमने आते ही रानी दीदी पर क्या जादू कर दिया, जान छिड़कती है तुम पर। माँ जो ठहरी मामा जी, बच्चे से प्यार नहीं करेंगी तो किससे करेंगी। सरकार सरकार गजब हो गया, हम गरीब दास को पुलिस चौकी ले जा रहे थे तो मारामारी पर उतर आया और भाग गया। सरकार भाग गया? तुम लोगों ने क्या चूड़ियां कांडा की थी? जाओ यहाँ से, जाओ। मामा जी परेशान क्यों होते, गरीब दास की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। गोपाल तुम उसे नहीं जानते, वो आफत तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर वो आफत है तो मैं आफत का परकाला, बस यूं समझिए गरीब दास मेरी मुट्ठी में है। ए गरीबू, ये मुंह उठाए किधर जा रहा है? चला मंदिर जा रहा हूँ, साधु बाबा से भगवे कपड़े करमंडल मांगने। आज फिर काहे की जरूरत पड़ गई रे? अरे बजरंगी लाला का हिसाब किताब देखे बहुत दिन हो गए, सोचा आज फैसला कर ही दूं, अब तक गरीबों का खून चूसेगा। इस जरो माल पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो माल दौलत, हम तो सफर करते हैं। स्वामी जी की आकाशवाणी के अनुसार आज मेरा आखिरी दिन है, क्यों ना चाबियां बहू के हवाले करके मंदिर में जाके लेट जाऊं। बहू आई मामा, जल्दी जल्दी खाना खाइए, मामा की नजर ना लग जाए। बहू रानी ये लो मकान दुकान अलमारी और तिजोरी की चाबियां, और से तुम इस घर की मालकिन हो। कैसी बात करती हूँ मामा? तुम नहीं समझोगी बहू, महापुरुषों को अपनी मौत पहले से ही दिखाई हो जाती है और आजकल तो मुझे उठते बैठते दिन रात यमराज नजर आता। ये लो चाबियां, और सुनो अगर मैं अचानक चल बसा तो मेरी दो बातों का जरूर ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो बातें मामा? पहली बात तो ये कि जिस धन को मैंने कौड़ी कौड़ी करके जमा किया है उसमें बढ़ोतरी हो, घटौती बिल्कुल ना हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जो पहली संतान हो उसे खूब खिलाना पिलाना, विलायत तक पास कराना। मैं जानता हूँ वो बालक बड़ा होकर जरूर मिनिस्टर बनेगा। हो सकता है मेरा पहला बच्चा गांव का चौकीदार बने। शुभ शुभ बोल, पहला बच्चा तो मिनिस्टर ही बनेगा, दूसरा चाहे चौकीदार बने के पहरेदार बने, मुझे कोई मतबल नहीं। मामा हो सकता है हमारी पहली संतान कन्या हो। बेटे 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 जिद नहीं किया करते, मैं जो कहता हूँ पहली संतान तो लड़का ही होगा। राम भजन कर कहानी तेरी लंबी रे जिंदगानी, तेरी लंबी रे जिंदगानी, तेरी लंबी रे जिंदगानी। बजरंगीलाल प्रभु तुमसे बहुत पसंद। जरूर पसंद होंगे महाराज, और फिर आज स्वामी को तो मुझे उनके दर्शन भी होने वाले। असंभव असंभव, कल रात गुरुदेव हमारे सपने में फिर आए और उन्होंने कहा इस गांव में हर चीज की एक ही दुकान है, अगर बजरंगीलाल की मृत्यु हो गई तो उसके क्रियाक्रम तक गांव वाले सौदा सुलभ कहां से खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान से सिफारिश करके तुम्हारी आयु के 20 बरस और बढ़ा दिए। 20 बरस बढ़ा दिए? लेकिन मैं तो सारा घर बार के नहीं आगे नाम कर चुका। बहु चाबियां ला। अरे भूल जा चाबियां मामा, भरी पंचायत में सारी जायदाद मेरे नाम कर चुके हो। तेरा सत्यादास जाए महाराज, अगर मेरी उम्र बढ़ानी थी तो सर्वनाश से पहले मुझे बतला तो नहीं दिया। एक तो हमारे गुरु ने तुम्हारी आयु बढ़ाई, उस पे तुम गाली देते हो। घोर कलजू, घोर कलजू, बच्चा का निजा लाल भट्टी में से अग्नि लाओ, हम यहाँ हवन करेंगे। जो आज्ञा महाराज।
तो क्या महाराज, मैं 20 बरस तक इस दरवाजे का कुत्ता बनकर रहूंगा। देखो बजरंगी लाल, तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। अगन कुंड ले आया हूँ महाराज, रख दो बच्चा। और बच्चा, अब इस हवन के लिए सामग्री भी ले आओ। सत्य वचन महाराज। लेकिन मैं भी तो जानूं ये हवन किस बात के लिए हो रहा है। बजरंगी लाल, ये मनुष्यता का अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ है, बगैर घोड़े के? घबराए नहीं बजरंगी लाल, आज हम गांव में गदा छोड़ेंगे। ये लीजिए राजा, मेरा बड़ी खाता तू उठाना। जीवा माई का खाता अग्नि समर्पण स्वाहा, विष्णु किसान का खाता स्वाहा। बहु खाते को स्वाहा मत कीजिए। रामलाल के घर की गिरवी स्वाहा, रामलाल के घर की कुर्की स्वाहा, सारे पाप की पोथी बोले जा। तेरे गेरवे कपड़े में चूहे पड़े, तेरी मालों में कीड़े पड़े, तेरी दाढ़ी में खटमल पड़े, खत्म। अरे मूर्ख प्राणी, ना इस दाढ़ी में खटमल पड़ सकते हैं, ना इन कपड़ों में चूहे पड़ सकती हैं। ये सब नकली है, ये देख ले, ले आज से तेरे काम आएगा। गरीब दास तुम समझ गए मामा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा, मैं हथकड़ी पहना दूंगा हथकड़ी। अरे हमें जो पहन रहे पहन लेंगे, तुम ये कुर्ता उतारो पहले। क्यों? जैसे तुमने मुझे नंगा करके घर से निकाला था ना, वैसे ही मैं तुम्हें निकालूंगा। उतारो कुर्ता। अच्छा 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 अच्छा। अरे गोपी, तू जरा मुंह उधर फेर ले। अब नंगा तो भूल जाऊं, अब मुझे किस बात का डर है? अगर याद रख गरीब दास के बच्चे, मैं तेरे घर पैदा हूंगा और अगले जन्म तेरा सत्यानाश करूंगा, सत्यानाश करूंगा। कंठ गया भैया, आज एक बजरंगी लाल के नंगा होने से गांव की कितनी देवियों की इज्जत ढक जाएगी। हर किसान अपने खेत का अनाज खा सकेगा मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा कन्हैया, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे, मैं चलता हूं। कन्हैया, लगता है कि ये गरीब दास साक्षात भगवान का रूप है। हाँ गोपी, तू सच कहती है, अगर वो हमारी मदद ना करता तो मैं जिंदगी भर जलेबियां ही तलता रहता। क्यों विजय जी, अब तुम जिल गए नहीं तेलोगे? अरे बड़ा घटिया भैया तू, जो ये चाहता है कि तेरी बहन सदा एक हलवाई की बीवी बनी रहे। चल भाग यहां से। मेरी बहन कुंवरी है जी, खाने को जिल में मिलती थी। अरे जलेबी के बच्चे भागता है, चल भाग यहां से। विजय जी कमी रहे, पहले जल्दी रहता था, आजकल पूर्व में रहता। बाबू ये देखो क्या है बाबू, अंग्रेजी खुशबूदार साबुन और भगवान की चाय की मुफ्त की। बेटा मैं खुशबूदार साबुन से नहाता हूँ, तब तक तू मेरे लिए गर्म गर्म चाय बना। मैं बाबू तुम क्या बना, मैं लूंगा। अच्छा बेटा, बेटा रो मत, ऐसा करते हैं हम दोनों साथ आते हैं और नहाने के बाद दोनों साथ में गर्मा गर्म चाय पिएंगे। ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे, हरियो हरियो हरे रंगे। ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, ना जाने किधर, ओ ना जाने किधर, ओ ना जाने किधर। बाबू बाबू मुझे भी क्या मुझे ना, हाँ बताओ मैं देता हूँ, ले ले। ना जाने किधर, ना जाने किधर, ओ ना जाने किधर। हरियो, क्या खुशबूदार साबुन है, खुशबू सारे घर में फैल गई। क्या बाबू, ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, ना जाने किधर। तू कौन है, तू कौन है? मुरली। हाँ बाबू मैं। अरे बेटे मैं अभी जिंदा हूँ, तूने सर क्यों बनवा दिया? तुमने क्यों फिर बनवाया?
बाबू क्यों मुड़वा गया फिर? आखिर अपना खून रंग लाया। जीजा जी ने अपनी सारी जायदाद को बाल के नाम कर दी। दीदी ने मुफ्त में जवानी नीलाम की। खैर सब देख लूंगा। देखो जी सरकार, झूमर को यही पुरानी रस्सी लगा दो। लेकिन हुजूर ये रस्सी बहुत कमजोर हो गई है, किसी भी वक्त टूट सकती है। जैसा तुमसे कहा जा रहा है वैसा ही करो। इस वक्त जाओ, बाद में सब समझा दूंगा। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। ये रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? बस यूं ही खेतों में हवा खोरी को निकल जाता हूँ। तुम तो हवा खोरी के निकल जाते हो और यहाँ ये समझो कि कलेजे से जान निकल जाती है। अजी जान निकले आपके दुश्मनों की। भाई वो मसल मशहूर है ना जी कि तेल जले तेली का और दिल जले मशालची का। तुम राजा प्रताप राय के अकलौते नूर नजर इस गाँव के मालिक। यहाँ हमारे दुश्मन ज्यादा दोस्त कम। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो कल मैं जीजा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर मामा जी मैं भी क्या करूँ, शहर की जिंदगी की आदत, घूमने फिरने का शौक, इस हवेली में अकेला बैठे बैठे पागल हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हें अकेले बैठने के लिए कौन कहता है? तो फिर क्या करूँ, इन दीवारों से निकलो मामा जी। देखो पहले तो ये मामा जी का लग त्याग दो जी। हमारा रिश्ता जरूर है लेकिन उम्र में हम एक जैसे, मुझे अपना दोस्त समझ। समझता तो ऐसा ही हूँ मगर बात समझते। कभी आज तक खुलकर दोस्तों वाली बात भी की? न किसी की आंख का चर्चा, न किसी की जुल्फ का जिक्र। अरे तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तो मैं आकाश से अपनाएं भी बुला सकता हूँ। मगर विजय बहादुर जी, जो लड़की आज मैंने इस गांव में देखी है उसके सामने आपकी अप्सराएं भी शर्मा जाए। कौन है जो तुम्हारी नजर में जची? वो अपने गांव में किसान लड़की है ना पारो। हाय हाय हाय, बड़ी जालिम, बड़ी गर्म गोली। बस आज इस पे नजर पड़ी, जरा नजदीक किया तो पटाखे की तरह फूट पड़ी। कहने लगी देख बाबू, हमसे नजर मिलाने की कोशिश की तो हम गरीब दास को बोल देंगे, गंडेरी की तरह काट के फेंक देंगे। अरे विजय बहादुर जी, हम तो यूं ही कट गए। अरे गोपाल, उस लड़की के पास मैं फटक गया। उस पे तो हमारा भी दिल था लेकिन वो तो बात बात पे मरने मारने को तैयार हो जाती है। अरे गोली मारो उस गांव की गवार लड़की को, अपने पास एक से एक अच्छी अवसरा। तो फिर हो जाए एक रात नरसभा का प्रोग्राम। छी एक रात क्यों, हर रात क्यों नहीं? कुछ अजय क्या बताऊँ आपको, इंग्लैंड से आने के बाद तो शराब का जायका ही भूल गया। शहर में माता पिता का डर और यहाँ आपका लिहाज। अरे मारो गोली हमारे लिहाज को, अब तो हर शाम को जाम से जाम टकराएगा। और होंठों से होंठ। अरे वो तो है ही। अरे बाबा तो अभी याद नहीं है। शराब का सागर उधर शबाब का जाम, इसे पियो या उसे सोच में शराब है। शराब से तो बुझा लूंगा प्यास हो तुम की।
शबाब आंख से भी तो क्या खराब है। पीकर शराब खेलूंगा मैं तो शबाब से है बैठे हैं मेरे सामने चेहरे गुलाब से पीकर शराब खेलूंगा मैं तो शबाब से है बैठे हैं मेरे सामने चेहरे गुलाब से साकी इधर सुराही उधर जुल्फ है खुली ऐसे में जिंदगी है नशे से दिली खुली साकी इधर सुराही उधर जुल्फ है खुली ऐसे में जिंदगी है नशे से भुली भुली एक ख्वाब देखता हूँ या जागा वो ख्वाब से बेगर शराब खेलूंगा मैं तो शबाब से है बैठे हैं मेरे सामने चेहरे गुलाब से रात को तो रात क्या हुई मैं लड़खड़ा गया तो बड़ी बात क्या हुई बहके न बीग रात को तो रात क्या हुई माफ करना पानी नहीं शराब पियूं जो हिसाब से बेगर शराब खेलूंगा मैं तो शबाब से है बैठे हैं मेरे सामने चेहरे गुलाब से किया तुमने ऐसा बोल सरकार मुझे भिकू विजय बहादुर बजरंगी लाला तुम इस वक्त यहाँ क्यों डाल रहे हो घर क्यों नहीं गए किसका घर कौन सा घर विजय बाबू गरीब दास ने मुझे तबाह कर दिया मैं अपनी विपत्ति सुनाने के लिए आपकी दीवार के साए के नीचे पहुंच रहता हूँ मेरी मदद कीजिए सरकार मेरी मदद हाँ हाँ तुम्हारी मदद करेंगे इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है तुम आराम करो कल मुझसे मिलना जी आपका दास हजूर आज रात के अंधेरे में किसी कन्या की इज्जत खतरे में है या किसी गरीब की जिंदगी गरीब दास ऐसी तो कोई बात नहीं हम तो अपने काम से जा रहे थे तुम तो काम खाम से बैर रखते हो हजूर आदमी से बैर तो मैंने सीखा ही नहीं जिस वक्त आपकी गिनती आदमियों में होने लगेगी गरीब दास आपसे बिल्कुल बैर छोड़ देगा सरकार ये गंडासा आज ही शान पे चढ़ाया है इसकी धार कंवारी है
सुहागन तब बनेगी जिस वक्त किसी जालिम के खून से इसकी मांग में सिंदूर भर दूंगा। लीदास, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं तो खुद हुक्म का गुलाम हूँ। इस गाँव में जो कुछ भी होता है वो राजा साहब के हुक्म से होता है। क्या बात करते हो सरकार, राजा साहब तो खुद जोरू के गुलाम है और आप ठहरे जोरू के भाई, तो असल मालिक हुए आप। गरीबदास, वो दिन गए जब रानी जी और हमारा हुक्म चलता था, अब तो असली मालिक गोपाल है। गोपाल गोपाल तो ये चाहता है कि हम किसानों का खून पी जाएं। क्या बात करते हो हुजूर, गोपाल तो किसानों से हमदर्दी जताता है। सब दिखावे की बात है भैया गरीबदास। बाप बेटा आपस में मिले हुए, बाप किसानों पर सख्ती करता है, बेटा उनसे प्यार जताता है। अरे मतलब तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने से है, समझे? अरे मैं ठहरा गवार, पर अभी थोड़ी बात मेरी मोटी बुद्धि में आ रही है। हुजूर आपने पहले फरियाद की होती मैं लिखा ही मिटा देता। क्या मतलब? गोपाल को खत्म कर देता। तुम ऐसा कर सकते हो गरीबदास? लो हुजूर, जिंदगी देनी मुश्किल होती है, जिंदगी लेने में कितना वक्त लगता है। और फिर गोपाल से अपना भी बैर है, ससुरा मेरी पारों पे बुरी नजर रखता है, गाजर मूली की तरह काट के फेंक दूंगा। गरीबदास, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन इनाम में दूंगा। 10 एकड़? अरे राजा हो तो ऐसा, फिर तो मैं और पारो खूब मजे से जिंदगी गुजारेंगे। हजूर, इस वक्त ये ससुरा गोपाल होगा किधर? हवेली में, और है भी अकेला। तो सरकार मैं चला सीधा हवेली। जय बजरंग। इस हवेली का मालिक गोपाल मर गया। माफ करना भिकू, तेरी लाश भी तेरी नहीं, गोपाल की है, जिसे कोई नहीं पहचान सकेगा। जब वारदात की जगह पर मैं सिपाहियों के साथ पहुंचा तो हवेली का ऊपर का हिस्सा करीब करीब जल चुका था। मिस्टर गोपाल की लाश इस तरह झुलस चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, और खंजर पर पाए गए उंगलियों के निशानात गरीबदास के थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। दूसरा गवाह पेश किया जाए। योर ऑनर, अब इस कत्ल की आंखों देखी गवाही श्री विजय बहादुर मकतूल गोपाल के मामू, जो जागीरदारी के सिलसिले में हमेशा हवेली में रहते थे। श्री विजय बहादुर, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, वारदात के वक्त मैं हवेली में आराम कर रहा था कि अचानक मुझे गोपाल के चीखने की आवाज आई। मैं घबराकर उसके कमरे में गया और देखा
कि गोपाल बेचारा जमीन पर चित पड़ा है और ये गरीब दास उसे खंजर पर खंजर मार रहा है। जैसे ही मैंने गोपाल को बचाना चाहा, इसने मुझ पर भी खंजर से हमला कर दिया। मैं मदद के लिए चिल्लाता हुआ नीचे आया, इतने में हवेली से शोले उठने शुरू हो गए। मेरा शोर सुनकर और आग देखकर गांव के सब लोग वहां जमा हो गए और जब ये गरीब दास हवेली के पिछवाड़े पाइप के सहारे नीचे उतर रहा था तो गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। इसके पास एक गठरी थी जिसमें खून से भरा हुआ खंजर, नोटों के बंडल, जेवरात और एक बटुआ भी था जिसमें गोपाल की तस्वीर थी। गरीब दास, तुम्हारी सफाई के लिए कोई वकील है? नहीं माई बाप। क्या तुम्हें सरकार की तरफ से वकील की मदद चाहिए? हजूर, सच्चे आदमी का वकील तो भगवान होता है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि गवाहों के बयान से जाहिर होता है कि तुम मुजरिम हो, कातिल हो, खूनी हो। हाँ हजूर, मैं मुजरिम कातिल हूँ, खूनी। मगर हजूर, मुजरिम हूँ हैवानियत का, कातिल हूँ गरीबी, बेबसी और लाचारी का, खूनी हूँ जुर्म का। हजूर, मैंने जुर्म के जिस्म पर एक नहीं कई छुरे मारे। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने गोपाल का खून किया? नहीं हजूर, गोपाल का खून किया है उसकी सौतेली माँ, उसके मामा विजय बहादुर ने। ये झूठ है योर ऑनर। ऑर्डर। क्या झूठ है और क्या सच है हजूर, वो आपके सामने अभी आ जाएगा। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है हजूर कि गोपाल के मरने की खबर आपको आज मिली है। गोपाल को मरे हुए तो बहुत अरसा हो गया। गोपाल का खून तो उस दिन हो गया था हजूर, जिस दिन वो बलैत से वापस लौटा था। तुम कहना क्या चाहते हो? हजूर, जिस दिन गोपाल बलैत से वापस आया, उससे अपनी जागीर के ग्राम जीवन की हालत न देखी गई। जब उसने देखा कि उसकी जागीर पे काम करने वाले गरीब किसानों को पेट भर के रोटी नहीं मिलती, तन ढांपने को कपड़ा नहीं मिलता, उनके बीमार बच्चों का इलाज नहीं हो सकता, उनकी बहु बेटियों की जद दहाड़े लूट ली जाती है, तो उसे अपने आप से नफरत हो गई हजूर। गोपाल किसानों की हालत सुधारना चाहता था, वो चाहता था कि उनके अंधेरे जीवन में सुख की रोशनी फैल जाए, मगर वो अपनी सौतेली माँ और बाप के सामने बगावत नहीं कर सकता था। गोपाल ने इंसानियत के नाम पर अपना घर छोड़ दिया, अपनी जागीर और दौलत को ठोकर मार दी। उसी दिन उसने अपना चोला त्याग दिया हजूर, और उसकी आत्मा गरीब दास के चोले में आ गई। हजूर, गरीब दास और गोपाल में कोई फर्क नहीं, गोपाल आज भी गरीब दास के भेष में जिंदा है हजूर। आई यून टुडे, आई एम क्रूअल टू क्रश द क्रूअल। व्हाट अ स्ट्रेंज केस। तो फिर हवेली में वो लाश किसकी थी? योर ऑनर, वो लाश मेरे मामा विजय बहादुर के वफादार नौकर भीकू की थी, जिसके हाथों मुझे कत्ल करवा के मेरी जायदाद का खुद मालिक बन जाना चाहता था। मगर भीकू ने जब वो राज मुझ पे फाश करना चाहा, तो विजय बहादुर ने उसका खून कर दिया। योर ऑनर, खूनी मैं नहीं, खूनी है विजय बहादुर। इंस्पेक्टर, विजय बहादुर को गिरफ्तार किया जाए। जेवर सब मेरे हवाले कर दो, मैं हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाऊंगा। लेकिन विजय, तुम इस तरह कब तक मारे मारे फिरते रहोगे? मेरी बात मानो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं बड़े से बड़ा वकील करके तुम्हें छुड़वा लूंगी। नहीं दीदी, कानून के पंजे से मेरे लिए बचना मुमकिन नहीं। लेकिन विजय, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने का वक्त देख चुका हूं।
आज तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए ना। रानी जी, अब आपका भी जादू नहीं चलेगा। राजा साहब, प्लीज रुक जाइए। रानी जी, रानी जी, रानी जी, राजा साहब, मुझे रानी जी, रानी जी। के रिश्ते से तुम मेरे बेटे हो, लेकिन जिंदगी की रफ्तार में तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गए। इन गरीब किसानों की दुख सुख को तुम ही समझ सके बेटा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। Thank you.
कौन है जो माँ की तरह नाज पाए, झूठ दिखाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। नहीं भरती नहीं भरती, नहीं भरती नहीं भरती, नहीं भरती नहीं भरती, नहीं भरती नहीं भरती।